चाह रखते हैं तो वस्तु आपके आगे आगे दौड़ती है, और जब आप किसी वस्तु का त्याग करते हैं तो वस्तु आपके पीछे पीछे दौड़ती है। एक नियम है, याद रखो। महात्मा भरत के चरित्र से हमें यही देखने को मिलता है, महात्मा भरत केवल और वासियों के हृदय के हाव नहीं बन गए, केवल और वासियों ने यही नहीं घोषणा की कि हे भरत आप तो राम की राम के प्रेम की साकार मूर्ति हो। जब भरत राम को मनाने के लिए चले और जब प्रयागराज में पहुंचे महात्मा भरद्वाज के आश्रम पर, तत्कालीन भरद्वाज ऋषि की बड़ी महिमा थी, भगवान राम के तत्व के ज्ञाता से वो, परमार्थ पद के परम सुजान से वो, भगवान राम ने भी उनसे रास्ता पूछा था, नाथ कहीं हम कहीं मर जाए। ऐसे महात्मा भरद्वाज के आश्रम में जब भरत जी जाते हैं तो भरद्वाज जी किन शब्दों से भरत का स्वागत करते हैं वो भी बहुत ही आनंददायक प्रसंग है। भरत की महिमा का उससे बोध होता है, भरत की गरिमा का उससे बोध होता है। लेकिन जो भरत, एक बात और बताना चाहता हूं आप लोगों को, याद रखिए भक्त जो है वो भावुक तो होता है, लेकिन भावना यदि विवेक को दबा करके प्रबल हो जाए वो व्यक्ति और समाज के जीवन में विकास के स्थान पर ह्रास करती है। बात याद रखो, योर इमोशन विल चेंज इन टू रूप फॉर्म ऑफ डिवोशन व्हेन यू विल यूज योर इमोशन इन द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन। जब आप अपनी भावनाओं को बुद्धि के प्रकाश में प्रयोग करेंगे वो तो भक्ति बन जाएगी, और यदि बुद्धि के विपरीत अपने इमोशन भावनाओं का प्रयोग करेंगे तो आपके पतन जो हेतु हो। महात्मा भरत केवल भक्त नहीं है, महाज्ञानी महाज्ञानी दूसरा जी आगे निकलेंगे बताएंगे। भरत विवेक बड़ा विचारा अनायास भरे देता, भरत की बुद्धि के सामने महात्मा वशिष्ठ भी हार मान करके सिर झुका लेते हैं। इतने महान ज्ञानी महात्मा भरत है, भक्ति के साकार रूप है, ज्ञान की साकार मूर्ति है। ज्ञान और भाव बुद्धि और हृदय का पूर्ण समन्वय है वहां पर, इसलिए उनके क्रिया में उनके कर्म में सर्व धर्म की प्रतिष्ठा है। महात्मा भरत ने जब निश्चय किया कि हमें राम की शरण में जाना है प्रातःकाल, और वासियों के लिए नई चेतना में गई, सबने निश्चय किया कि हम राम के शरण में जाएंगे, और वासी तो चाहते थे राम के साथ शरण में जाना, लेकिन एक समस्या आ गई। समस्या क्या, पूरी अयोध्या तैयार हो गई राम के पास जाने के लिए। भरत ने विचार किया हमें क्या करना चाहिए, ये अयोध्या का वैभव हमारा नहीं है। भरत कहते हैं संपत्ति सब रघुपति कर आही, जो भी जतन चलो तदिताही, तो परिणाम नमोर भलाई, पाप शिरोमणि साई दुहाई। बल विचार करते हैं कि अयोध्या की संपत्ति राम की धरोहर है, यदि मैं इस अयोध्या को ऐसे छोड़ करके चला जाऊं बिना इसकी व्यवस्था किए, और कोई शत्रु राजा इस पर आक्रमण करके सारा लूट ले जाए फिर तो ये महा अन्याय हो जाए। इसलिए राम की संपत्ति की रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है, इसलिए अयोध्या को अनाथ छोड़कर नहीं जाना। लेकिन ये भी बात थी कि जहिला कहीं रहू घर रखवारी, सो जा नहीं जन गर्दन मारी। भरत जिसको कहते हैं तुम रखकर अयोध्या की रक्षा करो, वो ऐसा लगता है उसके लिए कि मानो मेरा सदै जा रहा है। अयोध्या की रक्षा का भार भी है और राम की शरण में जाना भी है, प्रजा की भावनाओं का आदर भी करना है, लेकिन अयोध्या
संपत्ति सब रघुपति कल्याण ही गृहस्थ के लिए आदर्श है। जो तुम्हारे पास धन है, जो तुम्हारे पास जन है, जो तुम्हारे पास वैभव है, ये सब प्रभु का दिया हुआ है। प्रभु प्रदत्त होने के नाते उसकी संभाल करो, उसका सदुपयोग करो, उसका दुरुपयोग मत करो, उसको फेंको मत, उसको बर्बाद मत करो, उसको निर्लक्ष मत करो। ये भरत का मुख्य संदेश है। इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया कि अयोध्या की रक्षा की व्यवस्था करके ही हमें वन को जाना चाहिए। और इसी रूप में उन्होंने अपने विश्वास पात्रों को बुलाया, सैनिकों को बुलाया और उनको अयोध्या की रक्षा का भार समर्पित किया। भार समर्पित करने के पश्चात भरत ने संपूर्ण अयोध्या की प्रजा को, माताओं को, उन प्रियजनों को साथ लेकर के चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया। राम की शरण में अकेले भरत नहीं गए, उनके साथ अयोध्या की प्रजा गई। और इतना ही नहीं, रास्ते में जब भरत जाते हैं तो जैसे मैंने बताया कि भरत के आगमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण क्रोध में आ गए, ऐसे ही रास्ते में एक लक्ष्मण का शिष्य था। शिष्य हाँ, गुरु का गुण यदि सारा शिष्य में न उतरे तो शिष्य के शिष्यत्व की सिद्धि नहीं होती। समझे? हाँ, अरे सारा न उतरे तो शिष्य में तो उतरे। तो लक्ष्मण का एक शिष्य बना था, नया नया बना, लेकिन उसमें गुरु के सारे गुण आ गए। शिष्य को जानते हो निषाद राज, जो भगवान राम वन को जा रहे थे तो सिंध में जब पहुंचे तो निषाद राज ने भगवान राम का स्वागत किया। स्वागत करके और राम की रक्षा की व्यवस्था करके रात्रि में
देखो गुरु के गुण आए। यदि गुरु के गुण शिष्य में नहीं आए फिर गुरु और शिष्य का संबंध नहीं आएगा। इसलिए निषाद में वो गुण आ गए, जब उसने लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयारी कर ली तो तुलसीदास लिखते हैं कि इतना कहकर ठीक भाई माए, ये ठीक का शुभ अशुभ बहुत वर्षों से अनादिकाल से मनाया जा रहा है। कोई काम करने चलो तो ठीक हो जाए, ठीक किधर हुई है ये भी देखना होता है, दहिने ठीक हुई है कि बाएं ठीक हुई है, शरीर ठीक हुई है कि पीछे ठीक हुई है, चाहे दिशा। तो अब जब निषाद ने कहा कि अब युद्ध का नगाड़ा बजा दो, इतना आग्रह तो ठीक भाई बाएं तरफ ठीक हो गई। इतने में ज्योतिषियों ने तरफ जो जवान ज्योतिषी थे युद्ध में उन्होंने तुरंत अपना कैलकुलेशन किया और ज्योतिषियों ने कहा कहो सब दुनिया खेत सुहाए बाएं तरफ ठीक हुई है, इसलिए हमारी विजय होगी युद्ध में, हम घर को मार डालेंगे। लेकिन वहां पर एक बूढ़ा ज्योतिषी था, बूढ़ा ज्योतिषी बूढ़े ज्योतिषी ने कहा भैया खल बूढ़े एक ग्रह सगुण विचारी, वो कहता तुम लोगों का सगुण गलत है, मेरी बात सुनो क्योंकि निषाद भी राम का भक्त है, लक्ष्मण का शिष्य है, इसलिए बड़ों के प्रति आदर की बुद्धि है। और जहां पर सज्जन समाज होता है वहां वृद्धों का आदर होता है, जहां पर सज्जन नहीं दुर्जन समाज होता है वहां वृद्धों की बात नहीं सुनी जाती, वहां जवानों की बात सुनी जाती है, क्योंकि जवानों की बात में जोश तो होता है लेकिन होश नहीं होता। और जो जवानों की बात में आकर के आगे चलते हैं वो विनाश के मुंह में जाते हैं, और जो वृद्धों की बात मान करके चलते हैं वो आनंद के भागी होते हैं, नीति शास्त्र में यही समझाया गया है। अब वहां पर निषाद के बगल में एक वृद्ध था, तो बूढ़ एक ग्रह सगुण विचारी भरत मिली है विदारी, वो कहता है कि मेरा सगुण ये कहता है कि यदि 22 तरफ ठीक हो जाए तो वो शत्रुता नहीं होती वहां मित्रता होती है, तो तुम भरत से जाकर मिलो, भरत से युद्ध नहीं होगा उनसे प्रेम होगा। अब इसकी परीक्षा करने के लिए निषाद राज के पास 3 प्रकार के सामा, उसने फल फूल इकट्ठा किया और पशुओं की मांस इकट्ठा किया, मेरी मांस और मछलियां इकट्ठा की, मीन पीन पाकीन पुराने भरी भरी हार कहार नियारे, ये 3 प्रकार के साधन लेगी। उसने कहा कि यदि भरत तमोगुणी होंगे तो उनकी दृष्टि मछलियों पर जाएगी, भरत रजोगुणी होंगे तो मांस मृग की मांस देखेंगे, और भरत सतोगुणी होंगे तो कर्णमूल फल देखेंगे। इसलिए 3 प्रकार का उपहार लेकर के भरत की परीक्षा के लिए चला। जब भरत के पास पहुंचा आश्चर्य हुआ उसे, भरत ने न तो कर्णमूल फल देखा, न तो उस मृगों की मांस को देखा, न तो मछलियों की तरफ ध्यान दिया। भरत को जब पता चला कि ये वही निषाद राज है जिसके पास राम रह करके राज बिताए हैं, भरत दोनों हाथ उठा करके उसकी तरफ दौड़ पड़े और दौड़ करके वह निषाद को हृदय से लगा लिए। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि हृदय से जब निषाद को लगाया तो भय मगर नजर लखन निहारी, निषाद को हृदय से लगाया तो इतना आनंद आया मानो लक्ष्मण उनको मिल गए। निषाद ने भरत को भी लक्ष्मण दिखाया, केवल अयोध्या प्रवासी नहीं भरत के लिए भी निषाद लक्ष्मण लोकप्रिय बन गया था। इसका रहस्य तो भरत को तब पता चला जब वो चित्रकूट में गए और वहां पता चला कि ये निषाद लक्ष्मण का शिष्य है, लेकिन उस समय तो भाव में विभोर होकर के भरत में निषाद को हृदय से लगा लिया। आगे मास चलते हैं तो महात्मा भरद्वाज के आश्रम, अब महात्मा भरद्वाज की दृष्टि क्या है भरत के प्रति, तो सीधा जी ने कहा भाई कल बताना बहुत देर हो गई, अब प्रार्थना कर लो आप लोग, पहले तो बारिश होने लगी तो हमने सोचा कि आज तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन भगवान बड़ी कृपा किए हैं और आप लोग मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। यदि मेरे